हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलर शोज़ में से एक शो के बारे में, जिसका नाम है खतरों के खिलाड़ी। तो खतरों के खिलाड़ी का सीज़न 12 जल्द ही रिटर्न करने वाला है कलर्स टीवी पे। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, इस शो की शूट कब स्टार्ट होगी। तो मई के 4th वीक में शो का शूट स्टार्ट होने वाला है, और इस बार जो शो का शूट होगा वो साउथ अफ्रीका में होने वाला है। तो इसके अप्रोच्ड कंटेस्टेंट्स पे मैंने एक लिस्ट बनाई थी, एक वीडियो बनाया था, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो को देखाइए पहले। तो इस वीडियो में हम कुछ और कंटेस्टेंट्स को देखने वाले हैं। तो गाइज, एक सबसे पहले कंटेस्टेंट की बात करें तो वो हैं श्रीति झा। तो गाइज, श्रीति झा जो कि कुमकुम भाग्य से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, उनका फैन बेस वेट ही कर रहा था कि वो किसी नए प्रोजेक्ट में देखने को मिले, बिकॉज कुमकुम भाग्य का वो हिस्सा नहीं रही हैं। शबीर आलूवालिया एक नए शो का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन श्रीति झा किसी भी शो का हिस्सा नहीं थी। तो मैं आपको बता दूँ, जो भी कुमकुम भाग्य के फैंस हैं और श्रीति झा के फैंस हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ की खतरों के खिलाड़ी के सीजन 12 में श्रीति झा एज कंटेस्टेंट आपको देखने को मिलने वाली हैं डेफिनेटली। और गाइज, अब हम बात करें कि रुबीना दिलेक इस शो में आपको देखने को मिलेंगी या फिर नहीं। तो गाइज, रुबीना दिलेक पहले तो आपको इस शो में देखने को नहीं मिलने वाली थी, लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि मेकर्स ने कन्विंस कर लिया है रुबीना दिलेक को, और कुछ चांसेस हैं कि रुबीना दिलेक आपको देखने को मिल सकती हैं एज कंटेस्टेंट खतरों के खिलाड़ी में। और जैसा कि अप्रोच्ड वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिग बॉस के काफ़ी कंटेस्टेंट्स को अप्रोच किया गया है, तो अभी बाकियों के अप्रोच वालों का तो पता नहीं, लेकिन उमर रियाज और प्रतीक सहजपाल डेफिनेटली आपको इस शो में देखने को मिलने वाले हैं एज कंटेस्टेंट्स। तो खतरों के खिलाड़ी में ये दोनों आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। जो भी इन दोनों के फैंस हैं वो डेफिनेटली शो में ट्यून इन करेंगे। और गाइस, शिवांगी जोशी के भी काफ़ी ज़्यादा चांस हैं कि वो आपको एज कंटेस्टेंट इस शो में देखने को मिले, ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड ही हैं, लेकिन अभी ये 100% नहीं कह सकते, 90% आप कह सकते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है के बाद वो बालिका वधू में नजर आई थी, और बालिका वधू अब ऑफेयर जा चुका है, तो उनके जो फैंस हैं उनको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और अगर खतरों के खिलाड़ी में वो आती हैं तो फैंस काफ़ी खुश होंगे। और गाइस, कोरियोग्राफर तुषार का भी मैंने आपको बताया था अप्रोच्ड कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में, तो वो भी कन्फर्म्ड इस शो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। एक और एक्ट्रेस की बात कर लें जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में फेमस हैं, वो है रिका फर्नांडिस। तो उनको भी अप्रोच किया गया था इस शो के लिए, और उनके भी काफ़ी ज़्यादा चांस हैं कि वो इसमें फाइनलाइज हो जाएंगी और एज कंटेस्टेंट आपको देखने को मिलने वाली है। तो काफ़ी बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं जो कि खतरों के खिलाड़ी के सीजन 12 में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ही दिनों में सारी फुल कन्फर्म्ड लिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी कंटेस्टेंट्स की। तो उसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स में बताइए आप एक्साइटेड हैं या फिर नहीं। और ऐसी लेटेस्ट खतरों के खिलाड़ी 12 की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट को मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।